नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ डेस्क। साथियों, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के मीटिंग में पहुंचने में आधा घंटा देरी क्या कर दी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी बिलबिला उठी और बड़े बड़े नेताओं ने बयान शुरू कर दिए। गोदी मीडिया पर बहस छिड़ गई कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेइज्जत कर दिया, उनको इंतज़ार कराया और ये किया और वो किया। मगर क्या आप जानते हैं कि 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही किया था, जब उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी के अलावा रमन सिंह, उन्होंने भी यही किया था, वो भी उनकी मीटिंग में नहीं आए थे। तब उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या फिर गोदी मीडिया ने क्यों नहीं कहा था कि नरेंद्र मोदी ने और रमन सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेइज्जती कर दी। साथियों, उनके पास तो कोई बहाना भी नहीं था, ये तो जानबूझकर नहीं आए थे। हालांकि ममता बनर्जी सचमुच में बहाना नहीं बल्कि उनके पास काम था, वो राहत आपदा में लगी हुई थी, इस वजह से वो आधा घंटा देरी से आई और प्रधानमंत्री के पास अपना जो प्रपोजल था वो दिया और देने के बाद उनसे परमिशन लेकर वो वापस गई, क्योंकि उन्हें दीघा जाना था। वहाँ पर भी राहत कार्य में उन्हें काम करना था, मीटिंग करनी थी, लोगों से मिलना था। मगर पूरी गोदी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है, पूरी गोदी मीडिया में जो है सो समझ लीजिए कि तमाशा बना हुआ है कि प्रधानमंत्री की बेइज्जती हुई है। वाकई में बेइज्जती हुई है, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। आपने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ यही किया था। साथियों, हम अपनी इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है सो भारतीय जनता पार्टी को इस समय मिर्ची लगी हुई है और किस तरह से और क्यों ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में वेट कराया या इंतज़ार कराया और फिर मीटिंग के बीच से ही छोड़कर चली गई। लेकिन उससे पहले ये खबर आपको बता देते हैं जो भले पुरानी है लेकिन उसी विषय से जुड़ी हुई है जिस विषय की आज चर्चा हो रही है, यानी प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करना। देखिए साथियों, जब पीएम मनमोहन सिंह की बुलाई बैठक में नहीं पहुंचे थे सीएम नरेंद्र मोदी, जानिए किस्सा, आपको वो किस्सा बता देते हैं। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था बैठक के लिए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रमन सिंह, ये सब नफरतबाजी लोग हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन्हें हिंदू मुसलमान करने में मज़ा आता है, इन्हें ये इसमें मज़ा आता है कि किसी भी तरह से हिंदू वोट को पोलराइज करो, मुसलमानों के खिलाफ इनके दिमाग में नफरत भरो, इसलिए वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मीटिंग में नहीं गए थे। साथियों, विस्तार से अब आपको थोड़ा सा कहानी बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक दिन पहले ही यास चक्रवर्ती से हुई तबाही की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल नहीं हुई थी। अब इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, ममता पीएम को रिसीव करने भी नहीं पहुंची थी। असल में मिर्ची इसलिए भी लगी हुई है कि भैया प्रधानमंत्री वहां गए थे तो ममता बनर्जी ने उनके आगे पीछे दुम क्यों नहीं हिलाया, ममता बनर्जी ने उन्हें रिसीव क्यों नहीं किया, इसकी भी बहुत बड़ी मिर्ची लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में उन पर ओछी राजनीति करने और प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, सोचिए, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ा है। मैं फिर कहूँगा, मनमोहन सिंह के समय प्रोटोकॉल कहाँ गया था भारतीय जनता पार्टी का? मैं फिर कहूँगा कि नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल कहाँ गया था जब मनमोहन सिंह ने बुलाई थी मीटिंग, वो वहाँ क्यों नहीं गए थे? हालांकि इसके जवाब में सोशल मीडिया पर कुछ लोग 2013 के एक वाक्ये का भी जिक्र कर रहे हैं, जब मोदी ने तत्काल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से बुलाई गई एक मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। सोशल मीडिया में कहाँ आजकल चुपती है साथियों, पुरानी सब स्टोरीज सामने आ जाती हैं, पुरानी खबरें सामने आ जाती हैं। मुझे भी ये बात मालूम नहीं थी, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो आज जब मैंने अखबार पढ़ा, जो वेबसाइट पढ़ी है सोशल मीडिया पर जनसत्ता की, तब हमारे ये पता चला हमें कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी को जो मिर्च लगी हुई है, इन्होंने भी पास्ट में ऐसा ही किया है, इन्होंने भी दूसरे प्रधानमंत्री को इज्जत नहीं दी है। दरअसल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मनमोहन सिंह ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी। इसमें देश में चल रहे सांप्रदायिक तनाव पर चर्चा की जानी थी। हालांकि तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह इस बैठक में नहीं पहुंचे थे। इस मीटिंग में हुई चर्चा में लगभग सभी पार्टियों ने भाजपा को मुजफ्फरनगर में हिंसा फैलाने का आरोपी ठहराया था। साथ ही भाजपा के विधायक संगीत सोम को भी घेरा गया था। जी हाँ, मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसमें आरोप लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वह भारतीय जनता पार्टी ने इस दंगे को कराया है या उनका बड़ा हाथ है इस दंगे को आग देने में। साथियों, अगर गलत था या सही था, जो भी था, मुख्यमंत्री होने के नाते, एक राज्य का मुखिया होने के नाते, डॉक्टर रमन सिंह हो या फिर पीएम मोदी हों, उनको उस समय जाना चाहिए था मगर ये नहीं पहुंचे थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, हो सकता है इनके पास कोई जवाब ना हो इसलिए वो नहीं गए हों, या फिर हो सकता है कि ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कुछ समझते ही नहीं हों इसलिए नहीं गए हों, दोनों बातें हो सकती हैं।
साथियों, जब ममता बनर्जी आधे घंटे लेट पहुंची और भारतीय जनता पार्टी को और भक्तों को जब मिर्ची लगी, तब ये खबर सामने आई कि भैया क्यों मिर्ची लग रही है। मनमोहन सिंह ने भी जब मीटिंग बुलाई थी तब नरेंद्र मोदी तो नहीं गए थे, डॉक्टर रमन सिंह तो नहीं गए थे, तब जो भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने वाले लोग हैं उन्होंने बचाव भी करना शुरू कर दिया। जी हाँ, उनकी सफाई आई है, वो भी मैं आपको बता दूँ कि इसके बचाव में पक्ष देने वालों का मत है कि मनमोहन सिंह ने जब मुजफ्फरनगर दंगों पर दिल्ली में बैठक बुलाई थी तब ये मामला सिर्फ यूपी से ही जुड़ा था और अन्य राज्यों को सिर्फ NIC में विचार रखने के लिए बुलाया गया था, जबकि PM मोदी एक आपदा से हुई तबाही का निरीक्षण करने खुद बंगाल पहुंचे थे। क्या नॉनसेंस ये बात है। आप सोचिए कि कम से कम ये तो समझा जाए कि चलो हो सकता है कि एक ही राज्य में दंगा हो, मगर देश के प्रधानमंत्री ने बुलाया था कि भैया इसको किस तरह से रोकथाम की जाए, अन्य राज्यों में किस तरह से इस तरह की बातें ना फैले, नफरत ना बांटे, मगर ये नफरतबाज लोग हैं ये नहीं पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ अब हवाले दे रहे हैं कि भैया बंगाल वालों की मदद करने के लिए पहुंचे थे। क्या बंगाल वालों की मदद, पूरे देश की जब भारतीय जनता पार्टी ने मदद नहीं की, कोरोना की महामारी में सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, तो इनको बंगाल से प्रेम कब से हो गया। दरअसल इन्हें अपनी राजनीति चमकानी है। साथियों, अब हम बात करते हैं ममता बनर्जी की कि ममता बनर्जी क्यों नहीं गए। हमने जो खबरों में देखा है और जो ममता बनर्जी का बयान आया है उसमें यही कहा है कि वो जो वहां पर जो तूफान आया है, जो साइक्लोन आया है, उससे तबाही मची है, उसके लिए वो लोगों से मिल रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं, उनके लिए वो काम कर रही हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में भी वो पहुंची, इसी वजह से आधा घंटा लेट पहुंची। एक और सफाई आई है कि सुरक्षा कारणों से हेलीकॉप्टर को 20 मिनट लेट से उड़ाया गया, सबसे बड़ी वजह ये थी। तो जब 20 मिनट लेट उड़ाया गया, इस वजह से वो आधे घंटे लेट पहुंची, और वहां जब पहुंची तो शुभेंदु अधिकारी को देखा। भाई शुभेंदु अधिकारी क्यों वहां पहुंचे थे, सही बात है, क्यों पहुंचे थे। यहाँ पर मुख्यमंत्री से के साथ मीटिंग थी, राज्य में जो विपदा आई है उससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री से बात होनी थी, फिर शुभेंदु अधिकारी वहाँ पर क्यों पहुँचे। ममता बनर्जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि या तो आप बुला रहे थे तो फिर सभी दलों के नेताओं को बुलाना चाहिए था, जो बात भी सही है, फिर आपने सिर्फ पक्ष के नेता को क्यों बुलाया। ये बड़ा उन्होंने सवाल उठाया और उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जो रिसर्च की थी या जो उनका प्रपोजल था 20,000 करोड़ रुपये का राहत आपदा का, वो फाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी और वहाँ से निकल गई, ये कहकर कि उन्हें दीघा में काम है, उन्हें दीघा में मीटिंग करनी है क्योंकि वहां पर भी तबाही आई है। तो इनका जो बहाना कहें या फिर जो भी बातें हैं, इसमें सच्चाई नजर आती है, क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने का समय नहीं है उनके पास, उन्हें काम करना है बंगाल की जनता के लिए। और वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या करना है, सिर्फ मन की बात करनी है और दिखावा करना है। और साथियों, जैसे ही ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर निकली, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी बिलबिला उठी और आरोप लगाने लगी कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जलील कर दिया। साथियों, ममता बनर्जी ने जलील किया हो या नहीं किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चिल्ला चिल्ला कर और जलील कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह बता दिया कि एक मुख्यमंत्री की नज़र में प्रधानमंत्री की जो समझ लीजिए अहमियत कितनी कम है, वो कोई भाव ही नहीं दे रही है। वैसे मैं बताऊँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कि ममता बनर्जी की नीयत में कोई खोट ना हो, मगर भारतीय जनता पार्टी ने बिलबिला कर और चिल्ला कर और छोटा कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद को, कि मुख्यमंत्री जो है सो प्रधानमंत्री को आंख में नहीं लगा रही है। आपकी आवाज